Neil Marie. Yes, sir. May I come in, sir? Yes, sir. Aye. Thank you, sir. Namaste, sir. Namaste. Thank you, sir. Sir, आपने किस यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से. बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर. यस सर. भागलपुर. यस सर. भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कोई खास वहाँ स्पेसिफिक ऐसा है? भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है. आपने एमएससी भी किया है? यस सर. तो क्या आप एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करना चाहेंगे? मौका मिला तो जरूर करना चाहूँगी सर. अच्छा, मौका मिलेगा तो आप करेंगे. यस सर. अच्छा, ये बताइए कि एग्रीकल्चर क्या है और इसमें कौन कौन सी क्रियाएँ शामिल की जाती हैं? सर, एग्रीकल्चर है मतलब एग्री और कल्चर से दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. एग्री मतलब होता है कि सॉइल, कल्चर मतलब किसी चीज़ का कल्टीवेशन. तो कहने का मतलब हुआ कि सॉइल का कल्टीवेशन करना. तो सॉइल का कल्टीवेशन उसमें बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी शामिल हो जाएंगे. तो एग्रीकल्चर में क्रॉप का प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं. और क्रियाएँ जैसे कि एग्रोनॉमी, अदर एक्टिविटीज में आएगा और एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और ढेर सारे. एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर बोला है जी सर. बताइए कि दोनों में क्या अंतर है? सर, एग्रोनॉमी जो होता है एग्रीकल्चर का पार्ट है. एग्रोनॉमी में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसके प्रिंसिपल को समझते हैं उसके बारे में. हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर का भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है सर. बट हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, फ्रूट और ये सब उगाया जाता है. अच्छा, हमारे बिहार राज्य में क्षेत्रवार कृषि परंपरा है. एरिया वेस्ट एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस है. अलग अलग एरिया में अलग अलग कृषि होती है. क्या आप बताना चाहेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार की कृषि होती है? नॉर्थ बिहार में देखा जाए तो मेनली राइस का कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा है, तो राइस ग्रो करते हैं. इसके बाद साउथ में देखा जाए, साउथ बिहार में तो यहाँ पे मतलब इरिगेशन का फैसिलिटी उतना नहीं है, कम है, तो इसमें मोटे अनाजों की खेती कर सकते हैं. उसके बाद ईस्ट में देखा जाए तो वहाँ किशनगंज वाले एरिया में क्या होता है? यह किशनगंज एरिया में होता है सर, जूट का कल्टीवेशन करते हैं. नहीं, तो पूर्णिया में होता है. किशनगंज का तो है ना, यस सर, चाय की खेती करते हैं. टी प्लांट है बहुत सारा पूर्णिया कटिहार में, जूट की खेती. यस, जूट की खेती के लिए कौन कौन से फिजिकल फीचर्स मतलब भौगोलिक जो सुविधाएँ हैं उसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो सर क्लाइमेट देखेंगे सर. किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए उसका क्लाइमेट का ज़रूरी है. क्लाइमेट, उसके बाद सॉइल की आवश्यकता होती है सर. तो हर एक फसल के लिए होता है क्लाइमेट सॉइल. मतलब जूट के लिए स्पेसिफिक क्या चाहिए होता है? निम्न भूमि चाहिए, पानी चाहिए, ऐसा कुछ होगा? यस सर, पानी ज़्यादा चाहिए, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है सर. अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग आपने पढ़ा है? यस सर. ये क्या है और कौन कौन से टाइप है कुछ बताएंगे तो चाहे? यस सर, डिफरेंट टाइप का क्रॉपिंग सिस्टम होता है सर. जैसे मोनोक्रॉपिंग होता है, डबल क्रॉपिंग होता है, मल्टी स्टोर क्रॉपिंग भी होता है, और रिले क्रॉपिंग होता है, एले क्रॉपिंग होता है, रेटून क्रॉपिंग होता है. रेटून और रिले में क्या अंतर है? रेटून में मेनली शुगर केन में करते हैं सर, और रिले में होता है कि मतलब एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले दूसरे क्रॉप को ग्रो करना. जैसे एग्जांपल? जैसे सॉरी, बताना पड़ेगा ना. यस सर. अच्छा, कि और बताइए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है? मैन्योर नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर केमिकल होता है सर. सरफेस टेंशन का नाम आप सुनी होगी? यस सर. सरफेस टेंशन क्या है? पृष्ठ तनाव. यस सर, सॉरी सर.
क्या मतलब अभी याद नहीं आ रही है सर। पानी के बारे में जानते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है गोल बूंद बनाती है, मतलब अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, कोई भी जो द्रव्य है द्रव्य अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहती है, ठीक है ना, और वो कम से कम प्रेशर बनाएगी सरफेस में, है ना। तो एग्रीकल्चर में सरफेस टेंशन का क्या महत्व है? कृषि विज्ञान में सरफेस टेंशन का क्या महत्व है? सर सबसे पहले तो मॉइस्चर मतलब कितना, मतलब कोई भी सॉइल का उसकी कैपेसिटी क्या है वाटर को होल्ड करने की। ठीक है ठीक है बोलो। यस सर, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है जिस क्रॉप के लिए जितना मतलब वाटर की आवश्यकता होती है उस अनुसार मतलब सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी चेक किया जाता है। तो सरफेस टेंशन को वहाँ पर हम कम करना चाहेंगे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी के लिए कि उसको बढ़ाना चाहेंगे? सर दोनों कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब बैलेंस टेंशन को मिनिमाइज करेंगे। यस सर। ठीक। अच्छा, आपने सिंचाई का नाम सुना होगा। यस सर। सिंचाई को परिभाषित कीजिए। सिंचाई को मतलब इरिगेशन किसी भी क्रॉप को मतलब पानी की, सॉरी सर, एकदम रिलैक्स रहना है, आराम से बोलना है, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा है। सर सिंचाई होता है आर्टिफिशियल भी करते हैं, नेचुरल भी होता है। नेचुरल हो गया कि अगर मान लेते हैं कि बारिश हो गई तो हम लोग को नेचुरल वो इरिगेशन हो गया। आर्टिफिशियल हो गया कि हम लोग मतलब खुद किसी सिंचाई करना, मतलब खुद वाटर का एप्लीकेशन करना। अच्छा, ये बताइए कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं? यस सर, सोर्स है, इरिगेशन के सोर्स है, वो क्या क्या है? तो सोर्स सर, सोर्स तो हो गया इरिगेशन का मतलब, सॉरी सर। अच्छा एक बात बताइए, आप भारत के 5 कृषि वैज्ञानिकों का नाम बताइए। हम भारत के एक तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर वर्गीस क्यूरी, डॉक्टर एनी बोर्लो। अच्छा, बिहार सरकार बहुत सारी कृषि योजनाएं चलाती है, आप 3 ऐसी कृषि योजनाओं के नाम बताइए जो आपको सर्वाधिक पसंद है। एक तो अभी योजनाएं चला रहे हैं, मतलब ये सब्सिडी जो दे रहे हैं फार्मर्स को, वो अच्छा लगता है सर। उसके बाद कृषि रोड मैप का नाम आप सुनी है? यस सर। क्या है कृषि रोड मैप? सॉरी सर। अच्छा, कृषि से संबंधित फाइनेंसिंग की 2 समस्याएं क्या है? सर एक तो मतलब किसान को टाइम पे लोन नहीं मिल पाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत सारे मतलब लोन का हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारे लोन का प्रोवाइड किया गया, बट किसानों को उनकी जानकारी नहीं होती है। जानकारी तो है, किसान कॉल सेंटर है आपका, चौपाल है, रोड रेडियो पर प्रोग्राम होता है, डीडी किसान चैनल है, तो ये तो कहना ही जागरूकता नहीं है, YouTube पे है, मीडिया के किसान को उतने टेक्नोलॉजी नहीं पता है सर, जिसके कारण अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। ठीक है सर, आप नैनो डीएपी का नाम सुने? नैनो डीएपी, सॉरी सर,
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यस सर सस्टेनेबल जो मतलब बहुत दिन तक उस किसी भी जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है कि मतलब लंबे समय तक किसी भी चीज़ का कृषि करना हो। अभी चर्चा में था फॉर्म 17C इलेक्शन से रिलेटेड है, सुना था ना? बताया गया था कि जनवरी और दिसंबर महीना में कश्मीर में स्नोफॉल बहुत कम हुआ था, ठीक है ना, बर्फबारी, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉरी सर, मान लीजिए वर्षा कम होता है देश में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? वर्षा कम होगी तो किसानों को इफ़ेक्ट होगा सर, इफ़ेक्ट पड़ेगा किसान पे, वो सही टाइम पे क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएंगे, जो जिस टाइम पे जो क्रॉप को ग्रो करना है सूटेबल टाइम है उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे। रबी सीजन में हम लोग कौन कौन सा फसल उत्पादन करते हैं? सर बिहार में तो मेनली मेज उगाया जाता है, रबी रबी बोला जा रहा है, रबी क्रॉप्स। यस सर, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, मेज भी उगाया जाता है सर, और राइस को, राइस भी उगाया जाता है, राइस दोनों में उग सकता है, खरीफ में भी उगाते हैं रबी में भी उगाते हैं सर। पल्सेस किस में उगाया जाता है? रबी में सर। वीट? वीट खरीफ में। खरीफ में? यस। यस सर, वीट तो रबी फसल है। अच्छा, बर्फबारी के बारे में पूछा गया, तो मध्य कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उसे एग्रीकल्चर को क्या नुकसान है और क्या फायदा है, या फायदा है कि नहीं? सॉरी सर, नहीं सोच पा रही हूँ अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप आपने लिखा है कि आप खाली समय में टीचिंग करना पसंद करते हैं। यस सर। तो टीचिंग करना पसंद करते, क्या आप टीचर हैं? यस सर, मतलब इंडिविजुअल टीचिंग देती हूँ बच्चों को। अच्छा अच्छा, तो बच्चों को आप क्या पढ़ाती हैं, किस प्रकार से टीच करती हैं? मतलब अभी तो छोटे बच्चों को देती हूँ सर, तो कुछ सारे सब्जेक्ट मतलब लगभग। और क्या पढ़ाती हैं सब्जेक्ट के अलावा? सब्जेक्ट के अलावे टीचिंग दोनों तरफ से हो सकती है सर, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, कभी कभी इनफॉर्मल भी टीचिंग कर लेती हूँ, जैसे किसी को किसी के बारे में कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो उनको कोशिश करती हूँ कि उसको समझा पाऊँ कि वो आगे फिर किसी को समझा पाए। ऐसा कुछ शिक्षा देती हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, नमस्ते। अरे मुक्ति मिला है। नहीं सर, बहुत नोरा है। अच्छा तो कर रही थी, बहुत अच्छा, जिस क्लास में तुम जिस तरह से बात को बहुत कम कर दिया, तुम अच्छा बोले। सुनो, नहीं सर, बहुत घबरा गया था, थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। यस सर, कुछ जानकारी रखना पड़ेगा टीचिंग के बारे में, कुछ जानकारी तो रखना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ाते हैं, अगर वहाँ ऑप्शन में दोगी तो। ओके, इसको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ इरीगेशन पूछा गया था, तो इसमें तो बताना चाहिए, फ्लड इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन है ना, ड्रॉप इरीगेशन, ड्रॉप ड्रॉप जो किया जाता है, बूंद कृषि, सब रोड मैप की जानकारी सबको होना चाहिए, कृषि रोड मैप, ठीक है ना, नैनो DAP सबको देख लेना, घर में जाकर नोट करके रखना है। और उधर जो पहाड़ी एरिया में, खासकर कश्मीर वाले एरिया में बर्फबारी होती है, उसी से क्या होता है, वहाँ पर आइस कैप बना हुआ रहता है, अभी गर्मी के दिन में वो बर्फ़ पिघल कर है ना उत्तरी बिहार भारत की नदियों में पानी आता है, और उस पानी से लोग सिंचाई का काम लेते हैं, तो फायदे का चीज़ होता है ना। अगर सीधे बर्फबारी होती है खेत में जाएगा तो नुकसान पहुँचेगा, लेकिन जो पहाड़ी एरिया में बर्फ जमता है उससे हम लोग को काफ़ी फायदा होता है, गर्मी के दिनों वही पानी आता है पिघल कर, इसीलिए पेरिनियल रिवर से नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है ना। तो ये सब है, बाकी तुम्हारा ठीक है, सिंप्लिसिटी दिख रही है, ठीक है,
पहले से तुम बेटर दिख रही हो, पहले जो क्लासेज में तुम बात कर रही उससे बेहतर है, थोड़ा सा और पढ़ना है, भी समय है, थोड़ा सा और जानकारी लेना है, जहाँ दिक्कत है वहाँ पर बात करना है, ठीक है ना? और सर आई कॉन्टेक्ट और सब बातें सब ठीक है।